अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, दिस इज समजान फॉर कंप्यूटर टीचर। वेलकम टू आवर लेक्चर सीरीज ऑफ टैग द एजुकेशन कंसल्टेंसी। सो आज हम अपने कंप्यूटर के लेक्चर के साथ हम अपना आज फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर का फॉर बोथ कराची एंड फेडरल बोर्ड। ओके, सो फर्स्ट चैप्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिथम डिज़ाइन। बेसिकली 9 क्लास के अंदर आप लोगों ने कंप्यूटर की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को आपने डिस्कस किया था, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग एंड HTML, दिस टाइप, ये इस तरह के टॉपिक्स आपने डिस्कस करे थे। अब जो आपका मैट्रिक का जो कोर्स है वो बेसिकली जो फोकस करता है वो प्रोग्रामिंग पे करता है, C++ प्रोग्रामिंग, एंड आपको प्रोग्राम्स की डेवलपमेंट आनी चाहिए, आपको एल्गोरिथम के बारे में पता होना चाहिए, फ्लो चार्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मैट्रिक की क्लास, जो मैट्रिक का कोर्स है आपका, उसमें हम पढ़ते हैं। सो फर्स्ट चैप्टर इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिथम डिज़ाइन। ये बेसिकली दिस इज़ फॉर कराची बोर्ड। एंड अगर आप बात करेंगे फेडरल बोर्ड के लिए तो वहाँ पर आपका जो चैप्टर नेम थोड़ा सा डिफरेंट है, चैप्टर नेम इज़ प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। टॉपिक सेम है, अंदर सारा मटेरियल सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, जस्ट नेम का फ़र्क है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिथम डिज़ाइन फॉर कराची बोर्ड एंड फॉर फेडरल बोर्ड दैट इज़ प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। ऑलराइट, सो प्रॉब्लम सॉल्विंग चैप्टर, सबसे पहले हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग होती क्या है। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ मेन टास्क ऑफ कंप्यूटर साइंस विच इज द जॉब ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामर। अच्छा, अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है एक मेन टास्क है कंप्यूटर प्रोग्रामर का। प्रोग्रामर कौन है? जो बेसिकली प्रोग्राम लिख रहा है। ठीक है, अच्छा, कंप्यूटर आपके पास जो है वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि किसी भी प्रॉब्लम को समझ सके और उसको, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सके। तो ये काम कौन करता है? ये काम प्रोग्रामर करता है, ये काम हम ह्यूमंस करते हैं। ठीक है, हम ह्यूमंस करते हैं, हमारे पास, हमारा माइंड जो है वो प्रॉब्लम को एनालाइज भी करता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी फाइंड करता है। कंप्यूटर तो एक डिवाइस, ऐसी डिवाइस है जो वो ही काम करेगा जो कंप्यूटर, जो ह्यूमन उसको इंस्ट्रक्शन देंगे। ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन से हट के कोई तीसरा काम नहीं करेगा। ठीक है, जो कंप्यूटर उसको, जो भी ह्यूमन कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे उसी के अकॉर्डिंगली वो सारा एग्जीक्यूट करता जाएगा। तो प्रॉब्लम को एनालाइज करना और प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट और इनिशियल स्टेज है प्रोग्रामिंग के लिए। अगर किसी भी प्रोग्रामर को प्रॉब्लम सॉल्व करना आता हो, उसको एनालाइज करना आता हो, देन उसके सॉल्यूशन जनरेट करना आता हो, तो वो प्रोग्रामिंग कर सकता है, अदरवाइज उसके लिए प्रोग्रामिंग करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, प्रोग्रामर मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन सॉल्व अ प्रॉब्लम देन ट्रांसलेट इट इनटू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट। वही बात जो मैंने आपसे कही कि प्रोग्रामर सबसे पहले, प्रोग्रामर जो है वो प्रॉब्लम को समझेगा, देन उसको एनालाइज करेगा, उसको सॉल्व करेगा, देन फिर जो कंप्यूटर, आपको पता है कि बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 0 and 1 मशीन लैंग्वेज, फिर उसी के अकॉर्डिंगली उसको ट्रांसलेट करके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में प्रोग्राम करेगा, देन कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम इज द इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोग्राम प्रॉब्लम सॉल्विंग। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर द प्रोग्रामर स्टार्ट वर्किंग ऑन इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एक इनिशियल स्टेज है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। कोई भी प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व करना, अपनी लाइफ में भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले आप प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, उसको समझेंगे,
जब तक आपको प्रॉब्लम समझ नहीं आएगी तो आप उसके ऊपर उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फॉलोइंग स्टेप्स हैं। द फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू प्रॉपरली डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। केयरफुली रीड द प्रॉब्लम एंड अंडरस्टैंड व्हाट इट्स टेल। ठीक है, प्रॉब्लम सबसे पहले तो केयरफुली आप रीड करें कि आपसे वो कहना क्या चाह रहे हैं, और फाइंड आउट व्हाट द प्रॉब्लम आस्क टू डू। वही बात कि आपसे क्या कह रहा है, आपसे रिक्वायर्ड क्या कर रहा है, आपसे वो एक उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है प्रॉब्लम की। व्हाट इंफॉर्मेशन कैन ऑब्टेन फ्रॉम अ प्रॉब्लम, और इंफॉर्मेशन क्या आपको प्रॉब्लम से मिलनी है। व्हाट इज द रिक्वायर्ड एंड कैलकुलेटेड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। फिर आप उसको के रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या है प्रॉब्लम का, फिर आप उस पर काम करेंगे। ठीक है, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एक इनिशियल स्टेज होती है। थर्ड, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। एट दिस स्टेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग द प्रोग्रामर इन्वेस्टिगेट्स। एट दिस स्टेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग द प्रोग्रामर इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम एंड रादर एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल टू फाइंड अ सोल्यूशन। फॉलोइंग क्वेश्चन आर टू बी आस्क्ड टू एनालाइज द प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले उसको एनालाइज करना पड़ेगा, तो उसके कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको एनालाइज करने से पहले पता होना चाहिए। इज इट पॉसिबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन कंप्यूटर। सबसे पहला तो ये है कि क्या ये प्रॉब्लम कंप्यूटर पे सॉल्व हो सकती है या नहीं। व्हाट इज टू बी डन टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, कि क्या करना चाहिए कंप्यूटर इस सॉल्यूशन की फाइंड करने के लिए, हमें कौन कौन से स्टेप्स करने चाहिए। व्हाट इज द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू सॉल्व द प्रॉब्लम। है कि सीक्वेंस क्या होना चाहिए एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी पीछे एक एग्जाम्पल आपके पास थी कि कोई आप कस्टमर जो है वो अनहैप्पी है आपके, एक कोई भी उसने एक परचेज करी है कोई आइटम, उससे अनहैप्पी है कस्टमर एक कंपनी से, तो उसके फॉर एग्जांपल सीक्वेंस क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो वो रिफंड के लिए जाएगा, पहला स्टेप तो ये होगा रिफंड के लिए जाएगा या एक्सचेंज के लिए। देन अगर रिफंड या एक्सचेंज नहीं होता देन लीगल एक्शन। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली जाके अगर कोई चीज़ पसंद नहीं है आपने किसी भी कंपनी में जाके लीगल एक्शन ले लिया, केस कर दिया जाके, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आप पहले जाओगे, अगर आपको कोई इशू है, कोई आपके पास मटेरियल या आपने कोई भी परचेज करी है प्रोडक्ट, वो आपको एज रिक्वायरमेंट नहीं मिली, ठीक है, तो आप सबसे पहले तो उसको रिफंड या एक्सचेंज के ऊपर जाएंगे, पहला ऑप्शन तो ये है। देन फिर आप फर्दर लीगल एक्शंस लेते हैं, जैसे ऑनलाइन परचेजिंग हम करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उसमें बहुत दफ़ा ऐसा होता है स्कैम हो जाता है आपके साथ। आपने ऑर्डर कुछ किया, आया कुछ, तो सबसे पहला आपके पास ऑप्शन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिल रही जो आपको शो की गई है या जो एडवर्टाइज में दिखाई गई है आपसे, सेम प्रोडक्ट नहीं आपके पास आ रही है, कोई डिफेक्ट है कोई प्रोडक्ट के अंदर, तो आप सबसे पहले तो जो भी वेंडर है उससे आप यही आपका यही सबसे पहला सोल्यूशन होगा, या यही आप उसे कहेंगे कि इसको एक्सचेंज कर दें या रिफंड कर दें। अगर नहीं करते देन फर्दर आप उसके या तो आप उसकी कंप्लेन करेंगे जो साइबर डिपार्टमेंट है वहां पर। ठीक है, डिफरेंट आपके पास प्लेटफॉर्म्स, जैसे डिफरेंट आपके पास एप्लीकेशंस हैं जो पाकिस्तान में एक्टिव हैं ऑनलाइन शॉपिंग की, तो वो डिफरेंट वेंडर्स आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, वो डायरेक्टली सेल नहीं कर रहे होते, उनके पास वेंडर रजिस्टर्ड होते हैं, तो फिर अगर आप कोई वेंडर आपके साथ चीट करता है या स्कैम करता है, आप डायरेक्टली कंपनी को रिपोर्ट करेंगे ताकि उस वेंडर के अगेंस्ट कोई एक्शन लें। अगर वो वेंडर आपके साथ कोई कोई भी स्कैम कर देता है, देन प्रोडक्ट आपको सेल करने के बाद रिफंड नहीं कर रहा या एक्सचेंज नहीं कर रहा, वैसे तो आप इतना स्ट्रांग हमारा ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम हो गया है, जितनी भी बड़ी एप्लीकेशंस हैं, कि वो फॉरन कोई भी डिफेक्ट ना भी हो तो वो एक्सचेंज, अगर कोई कस्टमर उनके पास एक्सचेंज करने के लिए ला रहा है तो वो फॉरन एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको नॉलेज के लिए बात आपको बत, ये बात आपको समझ आ गई होगी कि प्रॉपर सीक्वेंस क्यों कह रहे हैं प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, व्हाट आर द इनपुट एंड व्हाट आर द आउटपुट रिक्वायर्ड, क्या इनपुट्स और कौन से आउटपुट्स रिक्वायर्ड हैं। जैसे इनपुट की अभी मैंने आपको बात बताई, आप इनपुट अगर आपके पास प्रोडक्ट प्रॉपर नहीं है तो आप पहला तो इनपुट आप यही देंगे अपना किसको एक्सचेंज करें, आउटपुट वहां से आएगा कि वो क्या रिएक्शन उनका, पॉसिबली वो आपकी प्रोडक्ट जो है वो रिटर्न कर लें, रिफंड कर लें, ठीक है, एक्सचेंज कर दें, कुछ भी हो सकता है। हाउ मेनी सॉल्यूशन आर पॉसिबल,
कितने सॉल्यूशन इसके पॉसिबल है, कितने वेज हैं। जैसे हमने ऑनलाइन शॉपिंग की बात करी, सबसे पहला तो रिफंड है, देन सबसे पहला एक्सचेंज, एक्सचेंज नहीं करते रिफंड, रिफंड के नहीं करते देन कंप्लेन आप करेंगे, ठीक है, हायर अथॉरिटीज़ के पास जाएंगे कि आप जो भी उस एप्लीकेशन या एक्स वाई जेड कुछ भी जो भी वहाँ पर उसके लिए पॉसिबल उसके हैं हायर अथॉरिटीज़, उस प्रॉब्लम की उसको आप सॉल्व करेंगे। ये एक एग्जाम्पल मैंने दी है, ठीक है। प्रोग्रामिंग के अंदर डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम आती है, वो भी हम अभी पढ़ेंगे। विच सोल्यूशन इज बेस्ट एंड वाई, कौन सा सोल्यूशन बेस्ट है और क्यों है, ये आपको बताना चाहिए। हाउ सोल्यूशन विल इम्प्लीमेंट, सही, सोल्यूशन किस तरह इम्प्लीमेंट होता है। ये चीज़ें आपकी अपनी लाइफ में भी होती हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ में कोई आपकी प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको किस तरह उसको सॉल्व करना है, इसी तरह यही सारी चीज़ें एनालाइज कर रहे होते हैं आप। ठीक है, प्लानिंग द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, प्लानिंग द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज अ क्रिएटिव स्टेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। इट रिफर टू डिवाइडिंग द सोल्यूशन इन टू स्टेप्स एंड अरेंजिंग दैम इन अ प्रॉपर ऑर्डर दैट विल सॉल्व द प्रॉब्लम। अच्छा, ये आपके पास क्रिएटिव स्टेज होती है, और लास्ट स्टेज होती है कि प्लान करना। सबसे पहला काम कि आप पहले तो सोल्यूशन को डिवाइड कर लेंगे स्टेप्स में, देन उनको अरेंज करेंगे प्रॉपर ऑर्डर में। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपको उसका ऑर्डर प्रॉपरली अरेंज करना होता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं तक ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसंट्रेशन, होपफुली आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। काइंडली हमारा चैनल द एजुकेशन कंसल्टेंसी टेक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको कोई क्यूरीज है टॉपिक से रिलेटेड तो काइंडली कमेंट के थ्रू आप हमें बताएं और हम उसे सॉल्व करने की आप होप